दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे जलने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए जिससे तुरंत मिलेगा राहत और कभी नहीं आएगी निशान। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों हम सभी इस बात से वाकिफ है कि महिलाएं किचन में काम करते हुए कई बार ध्यान भटकने के कारण जलने का शिकार हो जाती है। ऐसे में जलने की चुभन इतनी तेज होती है कि वो बर्दाश्त के बाहर होती है। वही महिलाएं अक्सर जलने के बाद या तो बर्फ के टुकड़े लगा लेती है या फिर टूथपेस्ट ठंडा पानी डालकर काम चला लेती है। लेकिन इन सब उपाय से केवल उस समय तक जलने से छुटकारा मिलता है, लेकिन जलने का निशान हमेशा के लिए रह जाता है। अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जलने के तुरंत बाद क्या करें जिससे ना रहे निशान और ना रहे जलन की समस्या। तो आइए जानते हैं। दोस्तों जले हुए स्थान पर आलू या आलू का छिलका लगाकर रख ले, क्योंकि इससे जलन से राहत मिलेगी और ठंडक भी मिलेगी, इसी के साथ निशान भी नहीं पड़ेगा। दूसरा उपाय है जलने वाले स्थान पर काले तिलों को पीसकर लगा ले, इससे जलन और दाग धब्बों से छुटकारा मिल सकता है। जले हुए स्थान पर तुरंत हल्दी का पानी लगाने से दर्द कम हो जाएगा और निशान गायब हो जाएगा। जलने के बाद तुरंत उस पर ठंडा पानी डालें ताकि फफोले ना पड़ सके और निशान भी ना बने। जले हुए स्थान पर तुलसी के पत्तों का रस लगाने से दाग धब्बे कम हो जाते हैं। आग से जलने पर मेथी के दानों को पीसकर पानी के साथ लेप बनाकर जलन वाली जगह पर लगाएं और फफोले नहीं पड़ेंगे, इसी के साथ निशान भी गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।